कांग्रेस ने यहां पर संसद भवन में केंद्र सरकार पर निशाना साधा, प्रधानमंत्री से जवाब की मांग की है। क्या कुछ मुद्दा है और आखिर किस वजह से यहां पर क्या मांग करते नजर आ रहे हैं कांग्रेसी, मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रदीप कुमार ने। भवन परिसर में कांग्रेस सांसदों का प्रदर्शन, लोकसभा राज्यसभा के सांसद है जो चुनावी बॉन्ड है यानी इलेक्टोरल बॉन्ड, उसको बंद किया जाए, ये नारे वो लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का परिणाम है यानी कांग्रेस इसको उठा रही है। आज इसने भवन के चुनावी बैंक कब्जा है, चुनावी बैंक कब्जा है, चुप्पी तोड़े ये बैनर भी लिया हुआ है। तो ये जरूर है कि सरकार ने इस पर पक्ष रखा है, इस पर बयान दिया है, अगर इस मामले पर आगे सदन में विपक्षी मनीष जी आपसे जाना चाहेंगे, क्या आप रणनीति बना रहे हैं पूरे मामले को लेकर? ये बहुत बड़ा घोटाला है और बिल्कुल ही एक भ्रष्टाचार को अमली जामा पहनाने की एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। भारत के लोकतंत्र के लिए घातक है और हम चाहते हैं कि दोनों सदनों में इसके ऊपर विस्तृत चर्चा हो और इस पर चर्चा होनी चाहिए। मांग लेते हुए चुनावी चंदे का मामला है, उसमें आरटीआई के एक खाते की बात पर रिजर्व बैंक ने भी आपत्ति दर्ज कराई थी, कांग्रेस हमलावर है, सवाल होना चाहिए और पूरे चुनावी चंदे का खुलासा करने की मांग कर रहे हैं, हमलावर है। कैमरामैन के साथ प्रदीप कुमार।